हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो शंकर सर, एक माहौल हो जाए फिर, कुछ कोई नेशनल अवार्ड विनिंग सॉन्ग या जो भी आपका मन करे सर। हमारे लिए तो सारे नेशनल अवार्ड विनिंग सॉन्ग है आपके। आई सिंग कल हो रहा हूं नेशनल अवार्ड। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो, ओ पलकों के लेके साए पास कोई जो आए, लाख संभालो पागल दिल को, दिल धड़के ही जाए पर सोच लो, इस पल है जो ये दास्तां कल हो ना हो। Wow. Oh my God. You made us breathless. Thank you. तो हर्ष, माइक तो आपके पास भी है। पाजी, अब शंकर जी भी यहाँ पर हैं, तो मैं वो गाना गाना चाहती हूँ जो शंकर जी ने बनाया। तो मैंने तो सिर्फ बनाया, लेकिन आपने इतना अच्छा गाया। And audience, she's got every award in the country for this song. Every award. Sing that part. No, you sing your part. No. After okay. that, first answer ke baad. O fasle jo kaati jaye ugti nahi hai, betiyan jo byahi jaye mudti nahi hai, aisi vidai ho to lambi judai ho to dehliz dard ki bhi paar kara de। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। Everybody, मुड़ के ना देखो दिल बरो, मुड़ के ना देखो दिल बरो, दिल बरो, मुड़ के ना देखो दिल बरो, दिल बरो, दिल बरो, बर्फे गलेंगी फिर से मेरे दिल बरो, फसलें पकेंगी फिर से तेरे पाँव के तले, मेरी दुआ चले, दुआ मेरी चले। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिल बरो, मुड़ के ना देखो दिल बरो, मुड़ के ना देखो दिल बरो, दिल बरो, मुड़ के ना। पाजी, ये धुन तो ठीक है, हमने सब कंपोज कर लिया, हर्ष जी ने गाया बहुत अच्छा, लेकिन इसका जो पूरा श्रेय जो है, दैट गोज टू द वन एंड ओनली लेजेंडरी गुलजार साहब। लेट्स हियर फॉर गुलजार साहब। आंटी रो रही है, आपने रोना। भावुक हो गए सब? भावुक हो गए, रो रहे हैं यहाँ सामने। सर, गाना ही इतना खूबसूरत है कि
और इतना इमोशनल है गाना, और जो नहीं जो नहीं रो रहे हैं ना वो अपने रोने को कंट्रोल कर रहे हैं मेरी तरह. एक्चुअली मैजिक. आप चुप रहिए, मुझे गेस्ट के साथ बातें करने दीजिए. क्या बात करेगा, तुझे नॉलेज है कोई म्यूजिक की? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम्हें पता है मेरे परदादा जी बादशाह अकबर के पर्सनल गवैये थे वो. हाँ ये तो है, बादशाह अकबर के डायपर बदलते थे. झूठ बोलता है. कभी कभी अनारकली एब्सेंट होती थी ना, तो इसके दादाजी खुद पहन लेते थे नारकली वाला टायर बादशाह अकबर के सामने नाच करते, इतने पर्सनल गवैये थे. और उस अनारकली को तैयार इनके दादाजी करते थे. और जैसा दादा वैसा पोता. यहाँ भी ये अनारकलियों को अनारकलियां बना बना कर मसाजे करवा रहा है. तेरे को पता सोनी साहब का मैसेज आया, कहते इसको पंजाब नहीं लाहौर छोड़ के आओ, पंजाब से वापस आ जाता ये. चप्पू शर्मा यार मैं तुम्हारे लिए आता हूँ, मैं अपने फैंस के लिए आता हूँ. क्यों फैंस? जब लड़कियां फैन होती हैं तो मैं क्या पता फील क्या होता है. क्यों गर्ल्स हेलो. इतना गंदा पजामा पहन के लड़कियों को हेलो कर रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ा भी. अच्छा कॉन्फिडेंस इसका की बात ध्यान है, कभी मेरे पजामे पे मेरे कच्चे पे पता नहीं और कहीं ध्यान जाता नहीं है तुम्हारा. हर्षदीप जी. हाँ जी. आपकी जो सूफी गायकी है ना. हाँ जी. वो मेरी रूह की खुराक है. शरीर की खुराक तेरी पूरी नहीं हो रही. आयोडीन तेरे को मैंने ला के दी कल 100 ग्राम. कौन सी तेरी रूह की खुराक है यार? जग क्यों लेके आया पहले ये बता. कंपोजिशन लेके जाएगा यहाँ से? नहीं यार मैं ये बजा लेता हूँ. ओहो आजी. अरे ये तो कुछ नहीं, आप जाओ ना कभी राजधानी एक्सप्रेस में, इसका सुबह 9 से रात 9 बजे तक शो होता है. हाँ जी मैं बजाता हूँ, ये गाते हैं. थप्पड़ लगवा के लाना. यार मेरी बात सुनो, कोई सुर की कोई राग की बात कर लो. क्या सुर की राग की बात? हाँ तुमसे क्यों? नहीं मुझसे नहीं, वैसे ही माहौल बना हुआ है. अच्छा हाँ क्या नहीं, तू आया ना खराब करने कर. सलीम सर बोले मैं भी म्यूजिक में कुछ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ. इन्वेस्ट? क्या इन्वेस्ट करना चाहता है? ये गला थोड़ा डीप चलेगा? हाँ ये गला ले लो, आए दिन किसी ना किसी के हाथ में होता है. गले कभी राशन वाले के हाथ में, कभी अखबार वाले के हाथ में. एक बार तो बंदर ने इसका गला पकड़ लिया था, उसके चने खा रहा था. वो मेरे चने छीने थे बंदर ने. और वैसे भी हमें सिखाया गया कि मिल बांट कर खाना चाहिए. अच्छा खाना मिल बांट के खाओ? तुम तो कच्छा भी मिल बांट के पहन लेते हो. मैं बड़ा कच्छा लेके आया, एक मोरे में इसने खुद दोनों टांग डाल ली, दूसरे में भाई को, तीसरे आदमी को कहता हमारा नाड़ा बांध दो. और फिर दोनों एक ही जगह पे. यार यार तू कमाल है यार. मेरी बात सुनो कपूर शर्मा, मैं जा रहा हूँ आज, ठीक है? और जो मेरा टैलेंट जो है वो सिर्फ इंडियन आइडल में दिखेगा. सर 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक मैंने गाना है, आपका 1 घंटा ना मैंने वेस्ट किया तो मुझे कहना. जा रहा हूँ मैं. तुझे वो बात वहां पे जो जाके सुननी यहीं पे सुन ले. क्या आप मुंबई नहीं आ सकते? तुम्हारे साथ मुंबई क्या? तेरा गाना सुनने के बाद वो बोलेंगे तुम घर भी नहीं जा सकते, तुम्हें हम यहीं पीट के दफनाएंगे. कीबोर्ड के नीचे दफनाएंगे तुम्हें. अब देखना, मैंने केबीसी में भी आना है, क्राइम पेट्रोल में भी आना है, सोनी न्यूज में भी आना है, सोनी के हर फंक्शन में आना है, हर प्रोग्राम में आना है, ताकि चंदू का जलवा हर जगह देखे. जा रहा हूं सर मैं. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.